कैसे हो आप? ठीक हूँ मैम। लास्ट सेशन कब हुआ था आपका? मैम हुआ था मैम 21 को, हाँ जी, 21 हाँ 21। ओके, तो कितने दिन हो गए सर्जरी को प्रशांत? हो 44 डेज, 44 डेज, 24 और 34? 44। 44। कैसा कर रहे हो अभी? सब ठीक है? कोई यस मैम। दिक्कत तो नहीं है? नहीं दिक्कत नहीं होती मैम, कभी कभी पैर ऐसा लग रहा है अटक जाता है, कभी कुछ अटक जाता है। कभी कभी होता है। यस नी मैम, बेंडिंग कंप्लीट कर ली है? यस मैम कंप्लीटली। ओके okay। अच्छा, आपने मेरे को वज्रासन पे बैठने वाली वीडियो भेजी थी। यस मैम, एक्सरसाइजेस सब आराम से कर रहे हो? यस मैम। फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे सिट टू स्टैंड, जो आप पहले से कर रहे थे। ऑपरेटेड लेग फॉरवर्ड रख के कर रहे हो, हाइट उसका और कम कर यस लो, करके मैम, वेट दिखा दो अभी सिट टू स्टैंड। मैम। पहले मैम दो पिलो रख, मूव पिलो रिमूव कर दो और अभी करके दिखाओ। आप वेट के साथ करते हो ये एक्सरसाइज प्रशांत? नहीं मैम, क्या ओके, अभी दोनों लेग्स हो गया। इक्वल रख लो, दोनों लेग्स इक्वल रख लो एक साथ। घुटने को टो की तरफ पुश करना है, घुटना अंदर बाहर नहीं भागना चाहिए। नी को टो ओके की मैम, तरफ पुश करते हुए बैक स्ट्रेट, हिप से टच एंड देन कम बैक। क्वाड्स पे प्रेशर लेना है, ठीक है? कंफर्टेबल? कंटिन्यू। यस मैम। नी को पुश करो टुवर्ड्स योर टोस, बिग टो। ओके, टू बैक स्ट्रेट, थ्री। दोनों लेग्स पे इक्वल शिफ्ट होना है, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। रिलैक्स। सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे हील रेजेस, बट एलिवेटेड। किसी भी स्टूल पे या स्टेयर्स पे, जैसे 2 इंच के स्टूल पे, स्टेयर्स पे हील रेजेस करेंगे। सीढ़ी के पास में आ जाओ, स्टेयर्स के पास में। ओके स्लो 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 हील रेस, स्लो 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 हील ड्रॉप। स्पोर्ट शूज पहन के, जो भी स्टैंडिंग की एक्सरसाइजेस है, जो भी खड़े होके करते हो, वो सारे स्पोर्ट शूज पहन के करोगे, ठीक है? मैम, 15 15 के दो सेट्स एलिवेटेड हील रेस। पहले ग्राउंड लेवल पे कर रहे थे, अभी एलिवेटेड करेंगे, ठीक है? ओके ओके मैम। स्लो 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 हील रेज एंड हील ड्रॉप भी। एडी को नीचे ड्रॉप करो एंड स्लो 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 हील रेज।
ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो आप पहले कर रहे थे स्टेप अप, उसको थोड़ा सा चेंज। कंफर्टेबल हो इसमें? यस मैम। डू नॉट होल्ड, जस्ट टच द फ्लोर विद योर टोज एंड देन कम बैक। ओके बॉडी को पीछे लेके नहीं जाना, जस्ट लेग को पीछे स्ट्रेट एंड टच। नी को पुश करो टो की तरफ। हाँ ये आपको 10 रिपीटेशन 2 सेट्स करने हैं स्टेप डाउन। ठीक है ठीक ओके है, 3 एक्सरसाइजेस हो गई आपकी, सिट टू स्टैंड, हील रेजेस एंड रिवर्स स्टेप अप। ठीक है, फोर्थ यस मैम। एक्सरसाइज हम दो बेड वाली एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करेंगे, आप बेड पर लेट जाओ एक बार। बेंड योर नॉन ऑपरेटेड लेग 90 डिग्री। ओके, तो नी को प्रेस डाउन करके पंजे को अपनी तरफ खींच के एंकल पर 1 kg वेट बांध के ऊपर उठाना है लिफ्ट। थोड़ा सा ऊपर उठाइए बेड से, बस इनफ, और नीचे लेकर आओ थोड़ा, बस ओके बस बस इनफ है। इधर आपको 20 सेकेंड होल्ड करना है विद 1 kg वेट। आपके क्वाड्रिसेप्स थाई मसल्स पे आपको फील होना चाहिए प्रेशर। ठीक है, मैम। अगर 1 kg वेट के साथ बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, बहुत इजी लग रहा है, आराम से लग रहा है, लाइक 1 kg बहुत कम लग रहा है, तो विद 2 kg 20 सेकेंड होल्ड करना है। ठीक है, ओके मैम। एंड देन 20 सेकेंड होल्ड, 20 सेकेंड रेस्ट, टोटल 10 रिपीटेशंस। वीडियो बना के मुझे भेज देना एक बार। ओके मैम। ठीक है, अभी ब्रिजिंग वाली एक्सरसाइज ओके करते हैं ना, उस पोजीशन में लेट जाओ। हिप उठाने वाली एक्सरसाइज करते हो ना? हाँ, अभी यस मैम। लेग्स को, अभी आपने इतना नी बेंड करके रखा है, अभी जितना पैर सीधा करके रख सकते हो पैर सीधा कर लो, और खोलिए लेग को, स्ट्रेट करो। बेंड नहीं प्रशांत, खोलना है। अच्छा ओके मैम। हाँ, पंजे टच में होने चाहिए, जितना खोल सकते हो उतना खोल के पंजे टच में रखो, कान यस मैम। साइड में, कमर के साइड में। ग्लूट्स को स्क्वीज करते हुए हिप को ऊपर उठाइए, हैमस्ट्रिंग पे पीछे प्रेशर फील हो रहा है, हैम्स मसल्स पर। 20 सेकेंड सेकेंड होल्ड एंड देन 20 सेकेंड रेस्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके मैम। 10 रिपीटेशंस। हाँ जी, मैं 10 रिपीटेशन। 6 रिपीटेशंस 2 सेट्स, 12 रिपीटेशंस। ओके, ओके मैम। ओके और ये 5 एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, मैम। ठीक है, पेन स्वेलिंग एक्सरसाइजेस सब सही चलता रहेगा, सब यस नॉर्मल, मैम। और एक्सरसाइजेस सब बराबर कर रहे हो, तो फिर नेक्स्ट वीक का प्लान करते हैं बैक टू जिम का। ठीक है, ओके मैम। ओके प्रशांत, टेक केयर। ओके थैंक यू मैम।